और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं धर्मेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने एक दो नहीं हजारों से भी कहीं ज़्यादा की तादाद के अंदर शादियां करवाई हैं बहुजन समाज के बच्चों बच्चियों की। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में जी। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि गरीब ज़रूरतमंद बच्चों की शादी आपको करवानी चाहिए और आपने इसमें तत्पर कार्य करा और आज करीबन करीबन हजार से भी ज़्यादा आप शादी करवा चुके हैं, तो आपको क्यों लगा ऐसा कि बच्चों की शादी करवाना जो ज़रूरतमंद है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि जो समाज में फैल रही कुरीतियों से बचाने के लिए गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनकी शादी कराना, ये हमारा एक संस्था थी हाथरस में कुशवाहा समाज करके, तो उनका ये एक उद्देश्य रहा कि गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़ें समाज से और उनकी एजुकेशन के स्तर को बढ़ाएँ और गरीब बच्चों को फैल रही कुरीतियों से बचाने के लिए समय से बच्चों की शादियाँ कराना, ये उन संस्था का एक अपना उद्देश्य। जैसे आपने बताया कि संस्था का उद्देश्य है, तो संस्था में कितने लोग हैं आपके जो कार्य कर रहे हैं? संस्था में हमारे 50 से 60 लोग होंगे जो उसमें पूरी संस्था को ऑर्गेनाइज करते हैं। जब आप शादी करवाते हैं तो विशेष तौर पर मतलब उनसे मतलब क्या क्या उनको दहेज वगैरह में भी कुछ देते हैं या इन कुरीतियों से बचाते हैं, किस तरीके से आर्थिक सहयोग भी करते हैं उनको? हम दोनों जो जोड़े होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ की तरफ से उनका 11,000 का टोकन लेते हैं जिसमें उनके 51 सदस्यों को बुलाते हैं, उनको प्रॉपर खाना देते हैं और 51 बर्तन जोड़े के दिए जाते हैं, उनमें एक 7 कपड़े गर्ल्स के लिए, 7 बॉयज़ के लिए और कुछ सोने चांदी के जो एक दो आइटम होते हैं वो उनको दिए जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक विशेष तौर से जानना चाहूँगा, आज भी तमाम बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि जो अगर आपको आर्थिक तरीके से सहयोग करना चाहता है या आपसे जुड़ना चाहता है, जो अपनी शादी करवाना चाहता है, तो किस क्या आधार रहता है आपका इस तरीके से शादी करवाने का? मतलब किस तरीके से आप बायोडाटा को चेक करते हैं और किस तरीके से उनको कमिटमेंट करते हैं कि हम आपकी शादी करवाएंगे, तो वर वधु किस तरीके से एक दूसरे को देखते हैं, उसका किस तरीके से आगे अंजाम करते हैं इस कार्य को आप? इसमें गर्ल पक्ष का जो लड़की पक्ष होता है और लड़के पक्ष को दोनों को आपस में पहले देखकर उन्हें डिसाइड कर लिया होता है कि हम शादी करना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, आर्थिक स्थिति कि वे खुद से उस खर्चे से शादी कर पाएँ, इसलिए वो उस खर्चे से बचने के लिए कम बजट में वो हमारे ग्रुप में आके जो समाज में हमारा जो संघ चल रहा है उसमें आके सम्मिलित होते हैं और उसमें वो शादी पड़ते हैं। तो मतलब इससे पहले आप परिवार में कुछ करते हैं इस तरीके का कि एक दूसरे को देखें और उसके बाद शादी करें? हाँ, दोनों को पहले पर्चे लेते हैं, हमारी जो कमेटी है उनसे पूरी डिस्कस करती है और देखती है कि कितना इनमें सच है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत तरीके से ये लोग आ रहे हों, गलत समाज से आ रहे हों या एक दूसरे से जो हमारे जैसे हिंदू मुस्लिम है या वैसा कोई ऐसा है हमारा, तो वो सारी चीज़ हम पहले चेक करें। अच्छा, जब उसके परिवार के कितने लोगों को आप बुलाते हैं कि आप इतने लोगों को बुला सकते हैं, है ना, और वर पक्ष के और वधु पक्ष के दोनों लोगों को किस किस तरीके से श्रेणी में बुलाते हैं, टोकन देते हैं, बैज देते हैं, मंडप किस तरीके से तैयार करते हैं, यह बताएं? और अगर कोई आपके समाज का बच्चा या बेटिया बेटा शादी आपके से जुड़कर करवाना चाहता है, क्योंकि ये पूरे देश दुनिया के अंदर ये वीडियो देखी जा रही है, तो आप क्या उनको हिदायत देना चाहेंगे किस तरीके से वह आपसे जुड़ सकते हैं और कहाँ पे आप शादी कराते हैं? ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जाके जगह करवाते हैं या पर्टिकुलर एक ही प्लेस पर कराते हैं, उन लोगों को इन्वाइट करते हैं या एक एरिया के लोगों को बुलाते हैं, वह बताएं? इस समय हमारे संघ द्वारा हाथरस डिस्ट्रिक्ट में, आगरा में, अलीगढ़ में, सासनी में, कई स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक जोड़े के साथ में 100 लोगों को बुलाया जाता है, 51 एक पक्ष को, तो लगभग 102 लोग होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के, तो एक जोड़े के साथ में, जिनका पूरा व्यवस्था हमारी समिति द्वारा रखा जाता है, जिसमें खाने की व्यवस्था, मंडप की व्यवस्था, घोड़े बैंडबाजी की व्यवस्था या जो भी मशीन हमने गिफ्ट दिया जाता है, जो 51 बर्तन हो गए, सिलाई की मशीन हो गई, बॉक्स हो गया और बेड हो गया और कई सारे सामान जो होते हैं उन्हें दिए जाते हैं। जी, जैसे आपने बताया कि पूरी व्यवस्था आप करवाते हैं, क्या दूल्हा दुल्हन से भी आप कुछ लेते हैं या उनके जो परिवार के लोग होते हैं उनसे भी कुछ सपोर्ट लेते हैं या 100% आप ही सपोर्ट करते हैं? नहीं, उनसे कोई सपोर्ट नहीं लिया जाता, वो केवल हमारी समिति ही सारी ऑर्गेनाइज व्यवस्था द्वारा की जाता है, उनका केवल आना होता है, समय पर आना होता है, बस उसके बाद खाना पीना जो भी व्यवस्थाएं रहती है वो सारी हमारी रहती है समिति। आप थे हमारे साथ धर्मेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने आज तक तमाम शादियाँ करवा दी हैं। अगर आप भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर
कोई बच्चा है, बेटा बेटिया इस तरीके का है जो अपनी शादी करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो आप इनके दिए हुए नंबर जो हमारे नीचे आपको दिखाई देगा, आप उनको संपर्क कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं और पूरी जानकारी भी ले सकते हैं और आप समय अनुसार यहाँ पर पधार कर अपनी शादी भी करवा सकते हैं। और पूरा खर्चा जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने तमाम जगहों पर बताया, तो पूरे देश के अंदर इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और वहाँ पर समय अनुसार अपने अपने समय अनुसार जो इनकी डेट होती हैं, जो महीने होते हैं, उसके अंदर वहाँ पे शादी करवाई जाती है और किसी भी से भी एक रुपए का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, जैसा आपने बताया। ठीक बात है हमें जी, जैसा इन्होंने बताया कि एक रुपए भी कोई उसमें शुल्क नहीं लिया जाता है, सिर्फ आपने समय अनुसार आना है और प्रतिज्ञा करनी है कि हम हमेशा एक दूसरे के संगनी बन के रहेंगे और अच्छे से अपना जीवन व्यापन करेंगे। और मैं आपको धन्यवाद भी करूँगा कि धर्मेंद्र जी, जो आप इतना नेक कार्य कर रहे हैं और समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और बच्चों को एक मजबूत रास्ता भी दे रहे हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से भी दे रहे हैं, उनको शादी करवा के भी दे रहे हैं और उनको आर्थिक तौर से मजबूत भी करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।